नमस्कार। आज ये प्रेस वार्ता लाहौर में, जो लाहौर के भाजपा विधायक हैं, बड़ी ओछी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं और लाहौर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की कोठी का जबरदस्ती गलत तरीके से सीमांकन कराने का काम किया जा रहा है। वहाँ की जो सीमांकन करने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा जो टीम बनाई गई थी, उस टीम ने भी लिख के दिया है कि सीमांकन करना इसका संभव नहीं है, क्योंकि उसका जो खसरा नक्शा और सैटेलाइट नक्शा, तीनों में अंतर है। जब तक तीनों में एक समरूपता नहीं होगी, तब तक सीमांकन करना वहाँ संभव नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट को भी कलेक्टर ने फाड़ के फेंक दिया और दबाव में दूसरी रिपोर्ट बनवाने का काम कर रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भिंड कलेक्टर से मेरी मांग है कि सबसे पहले तो पूरे जिले में जो रिकॉर्ड में गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, सुधार किया जाए उनमें। इसी प्रकार से एक रोन में रोन के पूर्व सरपंच प्रतिष्ठित व्यक्ति रमेश त्यागी का भी घर तोड़ने का काम किया गया। तो प्रशासन अपनी अवैध तरीके से, मनमानी तरीके से किसी का भी घर तोड़ने का काम कर रहा है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि इस तरीके की कार्रवाइयां आप बंद करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम बंद करें। अगर आपने ये काम बंद नहीं किया, और लाहौर विधायक को भी ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप जिस ओछी मानसिकता से काम कर रहे हैं उसको बंद कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा और भिंड कलेक्ट्रेट पर और लाहौर विधायक के घर के दरवाजे पर भी हम लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसमें देश और प्रदेश के नेता सभी सम्मिलित होंगे और आम जन की, आम कार्यकर्ता की आवाज उठाएंगे इसमें। एक लेटर वायरल हो रहा था राहुल भाई साहब के, जिसमें जो सीमांकन है डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ साथ इनके जो लार के जो वर्तमान विधायक हैं उनका भी होना है, उनके मकान का भी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सीमांकन का आवेदन दोनों का लगा है, लार विधायक के मकान का भी सीमांकन का आवेदन लगा है और लार के पूर्व विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के मकान का लगा है। भाई प्रशासन को तो समान तरीके से कार्रवाई करना चाहिए, भाई नाप करना है तो दोनों को करिए। वैसे तो नियम यह है कि बारिश के मौसम में सीमांकन किए ही नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन कर रहा है तो आप भेदभावपूर्ण तरीके से सीमांकन न करते हुए, सभी को समभाव से देखते हुए सीमांकन करना चाहिए और लार विधायक के मकान का भी सीमांकन होना चाहिए। क्या लगता है आपको, जो की जो कार्रवाई चल रही है ये सरकार की दबाव कारण प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल, सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को डराना चाहती है।